तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब मुझे पता है कि रिव्यू देने के लिए बहुत लेट हो चुका है और मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इन मोड्स को खेला हूँ। अब मैं इतना तो देख चुका हूँ कि अब मैं थोड़ा सा अपना टिप्पणी दे सकता हूँ। तो भैया देखो, जो नया मोड आया ना ड्रैगन बॉल जी वाला, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब देखो, ऊपर ऊपर देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे इस मोड से। इससे पहले जो डायनासोर्स वाले मोड आए थे ना भाई, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बिकॉज देखो, उसमें तीन तरह के थे आई थिंक डायनासोर्स ना, तीन तरह के डायनासोर्स थे। उनका जो हॉट ड्रॉप था वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और जो डायनासोर्स थे ना उनकी एबिलिटीज़ भी यूजफुल थी, यूजलेस नहीं थी। साथ में इवेंट्स के अंदर भी उन्होंने छोटे छोटे इवेंट्स डाल रखे थे, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत इंगेजिंग था, बोरिंग बिल्कुल नहीं था। बट भाई अभी तक मैं जितना खेला हूँ ना भाई, ठीक है फाइट बहुत होती है और वही मेरे को चाहिए, बट इवेंट की क्वालिटी, अब इतनी गोली चल रही क्या बोलूँ, रुको यार एक मिनट। भाई जब भी मैं बाहर रहता हूँ भाई कोई नहीं दिखता है, लेकिन किसी घर के अंदर घुसो तो ऐसा चौतरफा फायरिंग होती है, घंटा कुछ सुनाई नहीं देता है। तो यही मैं बोल रहा था, इस मोड में देखो स्टार्टिंग में फाइट बहुत होती है, नो डाउट बढ़िया है, पर उसके अलावा कुछ बढ़िया नहीं है यार। जो फ्लाइंग एबिलिटी है भाई, ठीक है सिचुएशनल है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। काम यहाँ में, हाँ ठीक है बट यूजफुल नहीं है। जैसा मैंने कल बोला था, मैं आज भी वही चीज़ बोलूँगा कि हर लॉबी में लोग हरता बना देंगे अगर उनके सामने तुम लेके पहुँच गए गोकू बन के। अबे मेरे को लगा था मैंने MG3 वाला नॉक करा है बे। वेल जो भी हो, यहाँ पर मेरे को बुग्गी ने बचा तो लिया, लेकिन यार जो मैं नॉक हुआ ना उससे मेरा बहुत लॉस हुआ। बिकॉज दो स्क्वाड आपस में लड़के मर गई, एक स्क्वाड बुग्गी ने निपटा दी, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे किल्स खराब हो गए थे। तो यहाँ पर अब मैं एकदम फायर मोड में आ गया, तो मैंने कहा था बुग्गी तू किल नहीं लेगा, अब मेरे से कहीं ज़्यादा किल तेरे गेम प्ले तू बना रहे क्या, अबे बैठ चुपचाप घर के अंदर, अब मैं मारूंगा। तो यहाँ पर मैं बंदे मारने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा था मोड की। तो शेनरॉन भी है, शेनरॉन अगर आपको नहीं पता तो 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने पे आप शेनरॉन को स्पॉन कर सकते हो, जो आपकी विशेस पूरी करता है, कुल मिला के 3 विश मिलती है आपको, तो वो भी ठीक है। उसको देखो गेम चेंजर नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो शेनरॉन यूज़ करना बहुत रिस्की है। आप बोलोगे क्यों, तो भैया जैसे ही शेनरॉन एक्टिव होता है आप सबको पता है बादल काले हो जाते हैं काफ़ी बड़े एरिए के, तो मतलब उस एरिया में सबको पता लग जाता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ हो और क्या कर रहे हो बे। तो भाई अगर मेरे तरह कोई किल्स का भूखा बैठा हुआ ना, तो तुमको ऐसे सूंघते हुआ आएगा ना जैसे भाई साहब चीज़, तो बहुत खतरनाक चीज़ है वो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को शेनरॉन से जितनी भी चीज़ें मिलनी हैं वो मैं या तो ड्रॉप से कलेक्ट कर लूँगा, या जो की वी बूस्ट करता हूँ मेरे को चाहिए नहीं। शेनरॉन की एक ही विश है जो मेरे को अच्छी लगती है, वो है टीममेट को एक और बार रिवाइव कर पाना, लेकिन वो भी रैंडम होती है, तो शेनरॉन मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता भाई। लेकिन जरा तुम इस प्रो प्लेयर को देखो भाई, खत्म है भाई, क्या नमूना है ये। और लोग कहते हैं BGMI में लॉबी हल्की आती है, BGMI में बंदे ऐसा कभी करते नहीं मिलेंगे तुमको, तुमको बजा देंगे इस तरह बजेंगे नहीं यार। तुम लोग को नहीं लगता ग्लोबल में कुछ ज्यादा जोकर मिलते हैं, कल भी अपने को एक मिला था, आज भी मिल गया। यार मैं क्यों रोस्ट कर रहा हूँ यार, ये भी अपनी ही बिरादरी। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि BGMI की जो स्वेटी लॉबीज होती है ना, वो जो हार्डकोर बंदे होते हैं ना, ग्लोबल में नहीं है भाई, सूत दिए जाते हैं इंडियन लॉबी में ये। वेल जब ये यहाँ पर और बंदे हैं भाई, कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं भाई, कुछ पता नहीं चलता मेरे को, इधर उधर से आते रहते हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अब देखो एक यहाँ है और इसका टीममेट भाई लंका में है, हद खत्म है यार। अभी सब डेट में जानते हो, हॉट ड्रॉप जो है वो अच्छा है ना, मतलब ये जो हॉट ड्रॉप की लोकेशन है ये मेरे को अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा इसे डिज़ाइन करा गया है, बल्कि अच्छी मुझे इस वजह से लगती है लोकेशन, बिकॉज यहाँ पर बंदे बहुत आते हैं, ठांस के आते हैं, तो इस वजह से मेरे को जगह अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर मेरे को फाइट्स मिलते हैं, अदरवाइज इधर मैं मूतने भी ना हूँ भाई। थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है भाई, ये जगह मेरे लिए वैसे ही जैसे स्टालबर, कभी नहीं भटकता मैं उधर, लेकिन अगर मेरे को स्टालबर पे बंदे मिलने लगेंगे तो स्टालबर भी मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। डिज़ाइन वाइज मेरे को उतना कुछ खास पसंद है, और जानते हो इस अपडेट में मेरे को सिर्फ जो अच्छा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है कैप्सूल कार। हमेशा मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन ये बेस्ट एडिशन है जो इस अपडेट में आया है, बेस्ट का मैं ओवर पावर्ड कहूँगा, वो ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है यार ये चीज़,
तुम सोचो जब पहली बार साइकिल आई थी और हम उसे फोल्ड करके बैग में रख रहे थे तो अपन ने कितना मजाक बनाया था। अभी कार रख रहे अपन बैग में। कहाँ जा रही है दुनिया, कौन कहता है पबजी मोबाइल रियलिस्टिक है बे। वेल जो भी हो, इवेंट्स है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा रियलिज्म से चिपक के रहो, ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं तो अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आती है गेम के अंदर। अब देखो अगर तुम लोग मेरे को ये इवेंट या फिर इस अपडेट को रेट करने को बोलोगे तो मैं 5 में से 2.5 स्टार्स दूंगा। 2 ही स्टार्स देता लेकिन 0.5 मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बिकॉज एनिमेटेड वर्ड मैं थोड़ा सा बायस्ड रहता हूँ। बट मे भी रेटिंग आगे चेंज हो सकती है बिकॉज अभी मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, 2 दिन खेला है, 4 गेम खेले हैं तो उतना मेरे को अभी एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। लेकिन फाइनली चंद्रमान भाई के दर्शन हो गए हमको। और भाई क्या हाल चाल है। वेल जरा तुम ये देखो, ये ऑसम था। अब देखो ऑसम बहुत था और भाई के गट्स की दाद देनी पड़ेगी, बॉल्स है भाई के अंदर। लेकिन फिर भी जो मैंने बोला था, कोई भी एवरेज बीजमाई प्लेयर मेरी तरह भाई सूट देगा आपको इस तरह। काम यहाँ में अब यूजलेस है भाई, यूजलेस है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस अपडेट को, बिकॉज वैल्यू नहीं है। आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वही अच्छा नहीं है, वही बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से मैंने 2.5 दिया है। मैं भी आगे रेटिंग चेंज कर दूँ। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस है, हो सकता है आपको ये अपडेट पसंद आया हो, मेरे भी अच्छा लगा। वो अलग बात है कि उतना अच्छा नहीं लगा जितना मेरे को प्रीवियस अपडेट्स लगे। एक और मेन पॉइंट है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले भाई यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ है ना, मैं तुमको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो हम कहीं और भी जीते और इस भाई ने हमको बीटी दी, तो इनको तो ठोकेंगे हम पहले। अरे चिरकुट चिरकुटा ही कभी और कर लेता भाई, चुपचाप हम जा रहे थे यहाँ से। कल देखो यहाँ पर मैं इसको फिनिश करने की निकलने की कोशिश कर रहा था, बट बुकी भाई को खेलना था उसके साथ तो वो लग गया भाई साहब पैन लेके। और मैं इधर उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो हमारे कुचड़ कर रहा था। अब भाई इस बंदे को मारने के चक्कर में जो हमारे भाई साहब जाम हुए हैं ना, तुम समझ लो क्या जाम हुए, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ भाई। फंस गए बहुत गंदा। सबसे पहले तो MG3 है, पहले तो इधर ही फट गई थी मेरी। तुमने ज़रा देखा ये गाड़ी बिल्कुल भी टिल्ट नहीं हुई भाई, कितनी स्टेबल है यार ये। कैप्सूल कार को हटाओ गेम के अंदर से भाई, खराब कर रही है गेम। अब भाई देखो बुग्गी मेरे थोड़ा आगे चला गया था, मैं एक पहाड़ी पे फंस गया था डाउन हिल और मेरे ऊपर दो अलग स्क्वाड आपस में कुत्तों की तरह लड़ रही थी। और तुम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत ही कम होता है जब मैं फायरिंग सुनता हूँ, क्योंकि आमतौर पर मैं फाइट में पार्टिसिपेट करता हूँ तो लोग मेरी फायरिंग सुनते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर मैं फंसा था क्योंकि किस तरीके से गाड़ी निकाल के लाया मैंने, एक ओपनिंग निकाली और अब नहीं रुकेंगे। अब ये क्या था, ये गुड्डे की तरह गड़ा क्यों हो गया भाई। अब एक और बच तो रहा है यहाँ पर, है किधर ये पता नहीं है। चलो बड़ा चक्को। अब देखो एक और चीज़ जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा था ना इस अपडेट के बारे में, जिसकी मेरे को कमी लगती है। तुमको याद है स्पाइडरमैन की एक मूवी आई थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद है कौन सी मूवी थी, शायद नो वे होम थी। तब बीजमाई में एक अपडेट आया था जब पहली बार वेब शूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे भाई। तुमको याद है मिल्टा में एक बॉस बैटल हुआ करती थी और भाई उसके जो एनिमेशन थे चुम्मा। अगर तुमको नहीं पता वो बॉस बैटल क्या थी, तो कुल मिला के एक बड़ा सा रोबोट आता था और तुम स्पाइडरमैन के साथ लड़ते थे मिल्टा में, उस रोबोट को मारते तो तुमको लूट मिलती थी, तो एनिमेशन से प्यारे थे। लेकिन भाई यहाँ पर जो हगा है ना इन्होंने, फ्लाइंग एनिमेशन देखो आप, ठीक है बहुत एवरेज है बस। मतलब तुम उड़ते हो तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, बट अगर तुम्हारा टीममेट उड़ रहा है ना तो बस ऐसा लगता है हवा में हैकर उड़ रहा है भाई, कोई इफेक्ट्स ही नहीं है। उसके अलावा अगर तुम कामया मेया की बात करोगे ना भाई, तो वो भी बहुत ही डिसेंट इफेक्ट्स हैं, बहुत डिसेंट हैं, कुछ खास नहीं है। पावर अप पावर अप अच्छा है। अब तुम ये देखो, ये एनिमेशन देखो है अच्छा ठीक है, लेकिन कितना फीका है, तुम ये चीज नोटिस करो, लाइक कलर सही नहीं यार। बीम ऐसा लगती भाई सस्ते में निपटा दिया गया है। और तुमको मैं बता दूं कि मैं बैलेंस पे खेल रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि स्मूथ पे खेल रहा हूँ, मैं बैलेंस पे खेल रहा हूँ, तब यह हाल है।
अब देखो ज्यादा बंदे बच नहीं रहे और जितनी शिकायतें मेरे को करनी थी मैंने कर दी, और मेरी शिकायत करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है अगर आपको अपडेट अच्छा लग रहा हो तो एंजॉय करो, डेफिनेटली इतना अच्छा तो है कि मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन तुम तेरा एक हिल देखो यार, स्टाइल बोलते हैं इसे, स्टाइल ये एनिमेशन अच्छा है, कहते हैं इजी चिकन डिनर।